हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अरबी एडिट्स। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो को थ्री स्टेप में कुछ इस टाइप से एडिट, बहुत ही इजी स्टेप से। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना बिना स्किप किए। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हमारे फेस यहाँ पे पूरा ब्लैक है, एंड यहाँ पे हमारे फेस के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहला स्टेप है हमारे फेस को वाइट करना, यानी कि गोरा करना। तो इसके लिए हमें इस फोटो को शेयर करना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो हम यहाँ से शेयर करेंगे। सो यहाँ पे गाइस, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सिंपली पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिलेक्टिव वॉल ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना अपने फेस, ठीक है। मतलब आप अपने फेस के ऊपर जहाँ पर भी डार्क एरिया है वहाँ पर आपको सिंपली प्लस के आइकन को वहाँ पर रख लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको फेस के साइज़ को सिलेक्ट कर देना है यहाँ से, और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा हम प्लस पर क्लिक करेंगे, यानी कि वाइट, कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से सिंपली डन करेंगे। डन करने के बाद दोबारा हम यहाँ अपने फेस को वाइट करेंगे, टूल्स पे आएंगे, सिलेक्ट ऊपर आएंगे, और यहाँ पे अपने फेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि डार्क एरिया सिलेक्ट करेंगे कुछ इस स्टेप से, और इसे ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। और सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। सो यहाँ पे गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है। तो हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अपने फेस को स्मूथ करना है एकदम फोटोशॉप जैसा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस, इस फोटो को शेयर करना है एडोबी स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है एडोबी स्केचबुक, ठीक है। ओके, सो गाइस यहाँ पे एडोबी स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने फेस को स्मूथ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे थर्ड नंबर पे पेंसिल वाला आइकन देख सकते हो, इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हमें सिंपली यहाँ से स्क्रोल करके इसे नीचे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको गाइस यहाँ पे स्मूथ वाला यहाँ पे टूल्स दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये वाला ब्रश, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे राइट साइड में सेटिंग वाला ऑप्शन देख सकते हो, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सेटिंग रख लेना है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेटिंग कुछ इस टाइप से रखने के बाद सिंपली आपको क्या करना, अपने फोटो को जूम कर देना है, और यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है कुछ इस टाइप से, जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितने परफेक्टली हमारा फेस यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। और यहाँ पे गाइस क्लिक करके अपने साइज़ को अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे छोटा बड़ा, तो हम यहाँ से कुछ इस टाइप से साइज रख लेंगे, और यहाँ से सिंपली ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा फेस एकदम फोटोशॉप जैसा स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि देख ही सकते हो, हमें सिंपली क्या करना है गाइस, इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। तो फोटो सेव करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सेव टू डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सिंपली हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमें करना है अपनी फोटो की कलर ग्रेडिंग लाइटरूम ऐप के अंदर। तो हम यहाँ से इस फोटो को शेयर करेंगे, और यहाँ पे चूज़ करेंगे लाइटरूम, ठीक है, यानी कि ओपन करेंगे। और ये अपनी फ़ोटो अपने लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो हमें सिंपली यहाँ से बैक चले आना है, और लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पे गाइस ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ऑल फोटोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी फ़ोटो आ चुकी है, आप देख सकते हो गाइस।
और आपको क्या करना है गाइस, इस फोटो के साथ आपको इस प्रीसेट को भी ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। और इस प्रीसेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रीसेट ओपन करने के बाद प्रीसेट के ऊपर आपको टैप कर देना है, ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ पे आपको प्रीसेट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, इस ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिंपली यहाँ से राइट साइड में डन वाला ऑप्शन देख सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी सेटिंग कॉपी हो जाएगी, तो हमें सिंपली ऐसे बैक चले आना है और यहाँ पे अपनी फ़ोटो के ऊपर टैप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी फ़ोटो ओपन हो जाएगी, तो हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना दोबारा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉपी सेटिंग के नीचे पेस्ट सेटिंग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर हमें जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस क्लिक करते ही देख सकते हो हमारे एक ही क्लिक में कितने गजब के यहाँ पर ही फ़ोटो एडिट हो चुके हैं, यानी कि कलर पड़ चुका, आप देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आप चाहते हो कि अपने फेस को और ज़्यादा यहाँ पे वाइट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कलर वाले टूल्स पे चले आना है और यहाँ पे मिक्स पे आना है, ठीक है। मिक्स पे आने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे कलर है ऑरेंज कलर, तो इसके लुमिनस को आपको सिंपली इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस यही सही लग रहा है, यहाँ पे हमारा फेस वाइट हो चुका है, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आप देख ही सकते हो कितनी गजब की हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। तो फोटो सेव करने के लिए आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे सेव टू डिवाइस, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो गाइस आई होप आज के ये तीन स्टेप आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।